पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं कि वह एक मोमबत्ती के प्रकाश को फीका कर सके। नमस्कार दोस्तों, एक कथन किसका है? गौतम बुद्ध साहब का। तो आज हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध साहब की बायोग्राफी के बारे में, यानी कि इनका पूरा जीवन काल हम लोग देखेंगे, किस तरह से सिद्धार्थ गौतम एक बुद्ध बन जाते हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे आज। और आज भी आप देखते हैं कि इनके जो विचार थे, जो इनके उपदेश थे, उसने किस तरह से दुनिया को बदल दिया, दुनिया को एक नया रास्ता चुना दिखाया। आप देखते हैं कि आप भी अभी भी देखते हैं कि कई देशों को हमारे जो विदेश नीति बनती है, जैसे आप देखिए कि जो आपका थाईलैंड हो गया, चीन हो गया, कोरिया हो गया, जापान, मंगोलिया, बर्मा, श्रीलंका, इन देशों से जब भी हमारी विदेश नीति बनती है तो बौद्ध धर्म को भी एक मतलब इसका आधार माना जाता है, उसमें बौद्ध धर्म का भी आप सोचिए एक तरह से योगदान रहता है। तो बहुत कुछ सीखने को है आज आपको, बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, ठीक है। तो ये आपको इनकी वायु पिक्चर्स दिख रही होगी, यानी कि फोटो। याद रखिए उस समय कैमरा तो हुआ नहीं करते थे, आप सभी जानते हैं। तो आपके व्यक्तित्व में के बारे में किसी ने कुछ लिख दिया तो आपके उसी हिसाब से आपकी छवि गढ़ दी जाती है चित्रकारों के द्वारा, तो वही किया गया है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले इनके जीवन के शुरू में चलते हैं, यानी कि बचपन से ही बात करते हैं, महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन देखते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। एक बात और बता दो यार, इनका जो बुद्ध नाम पड़ा ये तो पड़ा है कब मिला इन्हें? आप सोचिए ज्ञान प्राप्ति के बाद, इसके पहले इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। और इनका जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व के बीच कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नेपाल में। इनका जन्म कब होता है? 563 BC में, ईसा पूर्व में। याद रखिए आप लोगों को ज़्यादा ध्यान इनके जन्म पर मत देना है, क्योंकि कई ग्रंथ इनके जन्म को अलग अलग डेट बताते हैं, तो हमें क्या जन्म से लेना, बस इतना समझिए कि आज से 2000-2500 पहले कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसकी शिक्षा और धर्मों को हम लोग आज भी मान रहे हैं, आज भी इनके मतलब ऐसे इन्होंने उपदेश दिए। अहिंसा को आप देखिए, अहिंसा को गांधी जी तो 1917 में देखते हैं आप लोग, उन्होंने यूज किया, मतलब उपयोग किया हमारे भारत में आकर। लेकिन आज से सोचिए 250-2500 साल के लगभग किसी व्यक्ति ने इस तरह की बातें कही थी, उसमें आज भी हम लोग अपना रहे हैं। तो इनके विचारों पर और इनके उपदेशों पर ध्यान दीजिए आप लोग, इसी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बता दें आपको कि कपिल वस्तु की महारानी जो थी महादेवी को अपने पियर यानी देवधर जाते हुए रास्ते में पेशो पीड़ा होती है, उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, यही थे गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम। आप जानते हैं कि महादेवी, इस तरह की आप लोग कहानी भी कई आपके एपिसोड अभी आए हुए हैं, उन्हें भी आप लोग देखते रहते हैं, उसमें एक कहानी पूरा दिखाया जाता है कि किस तरह से महारानी जा रही हैं, किस तरह से इन्हें बच्चे को पैदा होता है, मतलब देख रहे हैं आप लोग पूरा कपिल वस्तु आपकी एक तरह से कहानी उनकी बनाई गई। इनके पिता का नाम अगर बात करें तो सुद्धोधन था, जो शाक के राजा थे। परंपरागत कथाओं के मुताबिक अगर उनकी बात करें तो उनकी जो महादेवी थी जो कौली वंश से संबंधित थी, किससे? कौली वंश से। सिद्धार्थ के जन्म के 7 बाद इनका निधन हो जाता है, यानी कि ये चल बसती हैं। इनके बाद जो लालन पोषण होता है सिद्धार्थ का, इनकी मौसी और जो शुद्धोधन इनके पिता की दूसरी पत्नी थी रानी महाप्रजापती गौतमी ने किया, और इनका नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है आपको पता होगा, इनका अर्थ होता है सिद्धार्थ नाम का कि वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हुआ है। एक बात और आपको यहां बताऊं, जब इनका जन्म हुआ तो आप देखते हैं कि जन्म से पहले यानी कि जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा, तो कई क्या राजा महाराजा क्या किया करते थे कि ना मतलब उसके भविष्य के बारे में पूछा करते थे। तो इनके भविष्य के बारे में पंडितों, जो भी इस तरह के संत होते हैं, पंडित होते हैं, उन्होंने बताया था या तो आपका बेटा एक महान सम्राट यानी कि राजा बनेगा, या एक महान संत बनेगा जो पूरी दुनिया को बदलने की, अपने जो उपदेश होंगे उससे बदलने की कोशिश करेगा, और वैसा ही हुआ आपने देखा है। इनके कहा जाता है इनके पिता ने घर से नहीं निकलने देते थे कहीं हमारा बेटा संत ना बन जाए,
और भी कहानी आगे है बताएंगे, ठीक है। अर्थात सिद्ध आत्मा जिसे सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध बनकर अपने कामों से सिद्ध भी कर दिया, वहीं इनके जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक महान राजा या फिर किसी महान धर्म का प्रचारक होगा, जैसा मैंने बोला ना वैसा। आगे चलकर साधु महाराज की इस भविष्यवाणी को गौतम बुद्ध ने सही भी साबित कर दिखाया। वे पवित्र बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने और समाज में फैली बुराइयों को दूर कर उन्होंने समाज में काफ़ी हद तक सुधार भी किया हुआ है। आज ही हम लोग देख रहे हैं उन्हीं के सुधारों की वजह से, आज भी हम समाज में देखते रहते हैं सुधार। अभी तो हम लोग देखिए आप किस संत देखते हैं, किस तरह से संत हैं, किस तरह से हमारे यहाँ के राजनेता हैं, इनसे आप लोग बाखूबी परिचित भी हैं। वही राजा शुद्धोधन को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो वे काफ़ी सतर्क हो गए। उन्होंने इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए अथक प्रयास भी किए, क्योंकि सिद्धार्थ के पिता चाहते थे कि वे उनके राज सिंहासन को संभाले और अपने पुत्र के कर्तव्य को पूरा करें। आप भी जानते हैं कि कोई पिता नहीं चाहेगा, इस समय भी नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा संत बने। उसकी यही इच्छा रहेगी कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बाद वो संभाले उसे, समझ रहे हैं। और राजा की एक अलग बात हो जाती है। वहीं इसलिए वे उन्हें अपने राजमहल से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, यानी कि बाहरी दुनिया को देखना ही नहीं देते थे। वे सिद्धार्थ को अपने महल के में सभी ऐसो आराम की आराम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बालक सिद्धार्थ का मन बचपन से ही इन आडंबरों से दूर ही था। इसलिए राजा काफ़ी कोशिशों के बाद बावजूद भी सिद्धार्थ ने अपने पारिवारिक मोह माया का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। यानी कि आप सोचिए कि एक राजपाट छोड़कर चला जाना कितना, मतलब एक लगता नहीं है, आज आप लोग सोचिए आज कोई नहीं जाएगा। आज अगर आप दो पैसे की भी बात हो तो भी आप नहीं जाएंगे जब तक कोई लालच ना हो। उस समय सोचिए कि एक राजा का पुत्र पूरा सम्राट छोड़ के साम्राज्य बना बनाया हुआ है और निकल जाता है सत्य की खोज में। याद रखिए इतिहास में उसी को याद रखा जाता है जो त्याग करे, तपस्या करे, मतलब कुछ तो करे समाज के लिए, किसी तरह से बदले समाज को। वरना आप सोचिए 135 करोड़ जनसंख्या है, डेली कितना पैदा हो रहे हैं, डेली कितने जा रहे हैं, कौन याद रखता है, कोई नहीं। आज जो हम करेंगे वही इतिहास बनकर आगे रह जाएगा, ये आप समझते हैं। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध शुरू से ही एक दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक कहानी के मुताबिक जब इनके सौतेले भाई देवव्रत ने एक पक्षी को अपने बाण से घायल कर दिया था तो इस घटना से गौतम बुद्ध को काफ़ी दुख भी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने उस पक्षी की सेवा कर उसे जीवन दिया था। वहीं गौतम बुद्ध स्वभाव के इतने दयालु थे कि वे दूसरे के दुखों में दुखी हो जाया करते थे। उन्हें प्रजा की तकलीफों को नहीं देखा जाता, लेकिन उनका यह स्वभाव राजा शुद्धोधन को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आप जानते हैं कि एक राजा बनने के लिए सीधी सी बात रहती है कि राजा बन रहे हैं आप लोग तो आप में एक मतलब गुस्से वाला व्यक्ति चाहिए। राजा का जब भी हमारे दिमाग में कोई ऐसा शब्द आता है शासक राजा, तो हम सोचते हैं उसमें कि उसकी छवि गढ़ने लगते हैं कि एक महान होगा, ऐसा होगा, उसके पास इतनी सेना होगी, वो गुस्सा वाला होगा, समझ रहे हैं। लेकिन इनका नेचर एक संत प्रवृत्ति का था। आगे बात करेंगे कि अशोक ने किस तरह से बौद्ध धर्म को कि मतलब आप समझिए कि झुक गए उसकी तरफ, तो आपने देखा किस तरह से इनके अशोक के जीवन काल में पूरी तरह से बदलाव आ गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनके धर्मों को, इनने जो धर्म खड़ा किया उसके प्रभाव में जो भी व्यक्ति आया है वो किस तरह से बदल चुका है। एक समय हुआ करता था कि अशोक बहुत क्रूर यानी कि बहुत हत्यारा राजा कहा जाता था इसे, लेकिन ये इनके धर्म में आने के बाद, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद पूरी तरह से बदल जाता है, अहिंसा के रास्ते पर चलने लगता है। माता पिता भाई बहन आप सोचिए, पशुओं के लिए अस्पताल भी खुलवा देता है, इतना दयालु शासक बन जाता है। रिवारिक मोह को त्याग कर सिद्धार्थ ने लिया सन्यासी का फैसला। किस तरह से लिया? राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का मन शिक्षा में लगाया, जिसके चलते सिद्धार्थ ने विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की। तो कह सकते हैं आप लोग कि जो विश्वामित्र थे ये पहले इनके गुरु थे। यही नहीं, गौतम बुद्ध को वेद उपनिषदों के साथ साथ योद्ध कौशल में भी निपुण बनाया गया। सिद्धार्थ को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था, वहीं धनुष बाण और रथ हाँकने वाला एक सारथी में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता था। यानी कि ये सभी, आप सोचिए एक व्यक्ति, आपने भी देखा होगा चाणक्य के बारे में आप सुनते रहते हैं,
कई लोगों के बारे में सुना करते हैं। प्राचीन काल में आप सोच सकते हैं कि 2000-2500 साल पहले लोगों में मतलब तरह तरह की एक तरह से आप महानता हासिल की हुई थी। अर्थशास्त्री कह लीजिए, राजनीतिज्ञ कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए, हर क्षेत्र में महानता हासिल किए हुए थे। वहीं साल 16 साल की उम्र में उनके पिता ने सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी यशोदरा से कर दी, यानी कि इनकी जो पत्नी का नाम था क्या था, यशोदरा, जिससे उन्हें एक बेटे को जन्म मिलता है, यानी कि एक बेटा होता है इनका, उसका नाम राहुल रखा जाता है। क्या राहुल? गौतम बुद्ध का मन गृहस्थ जीवन में लगाने के लिए उनके पिता ने उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई, यहाँ तक कि सिद्धार्थ के पिता जो थे इन्होंने बेटे के भोग विलास का भी भरपूर बंदोबस्त किया था। राजा शुद्धोदन अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 महल भी बनाए गए थे, क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कि बाहर की दुनिया को कुछ देखे इनका बेटा, तो इस 3 ऋतुओं के लिए, अलग अलग ऋतुओं के लिए 3 महल भी बनाए गए, जिसमें नाच गान और ऐशो आराम की सभी व्यवस्थाएं मौजूद थीं। लेकिन ये चीज़ें भी सिद्धार्थ को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकी, क्योंकि सिद्धार्थ को इन आडंबरों से दूर रहना ही पसंद था, इसलिए वे इस पर कोई खास ध्यान भी नहीं देते थे। वहीं एक बार जब महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ दुनिया को देखने के लिए सैर करने निकले तो उन्हें एक बूढ़ा दरिद्र बीमार मिला, जिसे देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। वे उन उसके कष्ट के बारे में सोचते लगे। बूढ़ा दरिद्र बीमार, एक मतलब मरा हुआ व्यक्ति और एक इसमें संत, तरह तरह के व्यक्ति उन्हें बाहर देखने को मिले। आप भी जानते हैं कि आपने कभी अगर देखा हो, जब किसी की शव यात्रा में जाइए जाते, या कभी आप लोग गंगा किनारे जाते हैं, तो लगने लगता है ना कि मोह माया है सब, बाकी आने के बाद सब भूल जाते हैं। एक कथा का भी आप लोग देखते रहते हैं कि कथा होती रहती है, उसमें पंडित जी भी बड़े विचित्र टाइप के आजकल ज्ञान देते हैं। मैं कहीं सुन रहा था अभी कुछ ही दिन पहले कि पंडित जी खुद बोल रहे थे कि पैसा सब मोह माया है, खुद 10-10, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं उस कथा करवाने के। और उसके बाद मैंने देखा एक जगह गौशाला का उद्घाटन था, वहां देखा कि गायों को घास खिलाने के लिए लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, गुरुजी खुद खिला रहे हैं। उसके बाद मैंने एक दिन देखा गुरुजी घर में अपनी यहाँ जो गाय आ रही है उन्हें परेशान कर रही है, उसे लठ से पीट रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब ये हम अपने ऊपर कोई मतलब ज्ञान दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते हम। जो नियम हम दूसरे के लिए बनाते हैं, काश अपने ऊपर पहले लागू कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल सकता है। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, इन्होंने जो नियम बनाए पहले अपने अपने धर्म के ऊपर अपनाए, उसके बाद बाहरी दुनिया ने उन नियमों को स्वीकारा। इस तरह दयालु प्रवृत्ति होने की वजह से उनका मन सांसारिक मोह माया से भर गया। वहीं एक बार भ्रमण के दौरान ही सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमार सिद्धार्थ काफी प्रभावित भी हुए, उन्हें सुख की अनुभूति भी हुई है। आज के संतों की बात नहीं कर रहा, उस समय के संत आप देखिए कि मतलब एक अच्छी प्रवृत्ति के हुआ करते थे, खुश रहते थे। आज के संतों को देखिए, एमपी में आपने एक कंप्यूटर बाबा के बारे में सुना होगा, मैं एक दिन उनका भाषण सुन रहा था अभी चुनाव के समय, एमपी में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसा वैसा, मैं अगर ये हार गई वो हार गई वो जीत गई तो मैं संन्यास ले लूँगा, मैं धरती में समा जाऊँगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बाद में उन्हें बाबा जी को एक पद दिया जाता है, हार भी जाती है फिर भी पद दे दिया जाता है। तो इनका मुझे लगता है कोई धर्म नहीं है, ये अब मतलब राजनीति के लिए भी आने लगे हैं, यानी कि इन्हें राजनीति करने में भी इंटरेस्टिंग हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद हमारा समाज इन्हें मान पाएगा, स्वीकार करेगा। देखिए, हर किसी का अपना अपना काम है, उसे अगर आप निभा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका स्थान सर्वोच्च है। वहीं इसके बाद उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन से दूर जाने और अपनी जो पत्नी थी और अपने बच्चे का त्याग करने का फैसला लिया, तपस्वी बनने का फैसला लिया, जिसके बाद वे जंगल की तरफ चले गए। कठोर तपस्या की कर की विकास और सच्चाई की खोज की इन्होंने, कठोर तपस्या करके। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा तब उनकी आयु महज 29 साल की थी। जब इन्होंने घर त्यागा तो उस समय इनकी, आप देखेंगे कितने साल की थी, 29 साल के लगभग। इसके बाद उन्होंने जगह जगह ज्ञानियों से ज्ञान लिया,
तप के मार्ग की महत्ता को जानने की कोशिश भी की। इसके साथ ही उन्होंने आसन लगाना भी सीखा और साधना शुरू की। आपको बता दें कि सबसे पहले वो वर्धमान बिहार के राजगीर स्थान पर जाकर मार्गों पर भिक्षा मांगकर अपना तपस्वी जीवन शुरू किया इन्होंने। वहीं इस दौरान उन्हें राजा बिंबिसार ने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को पहचान लिया और उनके उपदेश सुनकर उन्हें सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव दिया, लेकिन गौतम साहब ने मना कर दिया, यानी कि सिद्धार्थ ने मना कर दिया। इसके अलावा कुछ समय के लिए वे आंतरिक शांति की खोज में भी पूरे देश के घूमकर साधु संतों से मिलने लगे। उस दौरान उन्होंने भी एक साधु की तरह भोजन का त्याग कर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इस दौरान वे शरीर से काफ़ी कमजोर भी हो गए, लेकिन उन्हें इन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अपने शरीर को तकलीफ देकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मतलब उपदेश दिया कि अपने शरीर को तकलीफ देकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप सोचिए कि हम खुद कुछ ना कर पाएं और हम दूसरे को करें, मुझे नहीं लगता है कि सफल होंगे हम लोग। पहले खुद पर उन नियमों को लागू करना पड़ेगा। अगर आप सोचिए खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे, दूसरे को कैसे स्वस्थ रख पाएंगे? खुद खुश ना रहें, दूसरे को खुश कैसे रख पाएंगे? तो ये संभव नहीं है। पहले खुद को खुश रखना होगा, उसके बाद आप दूसरे को खुश रख सकते हैं। फिर भी आपने देखा कि उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना भी शुरू किया, जिसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती, जल्दी किसी बात की अच्छी नहीं होती। आज हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हड़बड़ा हड़बड़ा के काम करते हैं, और मैंने कई बार देखा है कि इसमें हम लोग नुकसान भी कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिए, अपने समय पर सब कुछ होगा, ठीक है, मेहनत करते रहिए। अपने ईश्वर के लिए खुद को कष्ट देना अपराध है, अपने ईश्वर के लिए खुद को कष्ट देना अपराध है। यही नहीं, इस सत्य को जानने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने तपस्या और व्रत के तरीकों की निंदा भी की। भगवान गौतम बुद्ध को हुए ज्ञान की अगर प्राप्ति की बात करें, यानी कि इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसकी बात अगर हम करें, तो एक दिन गौतम बुद्ध बौद्ध गया बिहार में पहुंचे। वे उस दिन बहुत थक गए थे, बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। वे आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब उनको सत्य की खोज नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। 49 दिनों तक, कितना, 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्होंने एक दिव्य रोशनी उनकी ओर आती हुई देखी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध की खोज का नया मोड़ था ये। इस दौरान उन्होंने इसकी खोज की थी कि सत्य हर मनुष्य के साथ है और उसे बाहर से ढूंढना निराधार है। इस घटना के बाद उन्होंने गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। पहले आप जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम के नाम से इन्हें जाना जाता था, लेकिन जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। ये सामान्य तौर पर आज भी आप देखते हैं कि गौतम बुद्ध ही कहलाते हैं, सिद्धार्थ के नाम से कम ही लोग इन्हें जानते हैं। वही उस वृक्ष को जिसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई उसे बौद्धि वृक्ष और इस स्थान को बौद्ध कहा गया। इसके बाद इन्होंने पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। आपको बता दें कि उस समय आम लोगों की भी पाली भाषा थी। और एक बात आप भी जानते हैं कि आप सोचिए कि उत्तर भारत में हमारे हिंदी सब कोई जानता है, और आप कहें कि आप कहीं तमिल भाषा बोलने लगे, तमिल भाषा में यहाँ जो भी काम करवाना है, जो भी आपको जागरूकता फैलानी है, तमिल भाषा में फैलाने लगे, तो आप भी जानते हैं कि आधे से अधिक लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो आप अपने काम में सक्सेस भी नहीं, यानी कि सफल भी नहीं हो सकते हैं। तो आपको वहाँ की कॉमन भाषा चुननी होगी जो सबको, मतलब सब उसमें आते हो। अभी भी आप देखते हैं कि कई योजनाएं आती हैं तो वो हिंदी भाषा में रहती हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर भारत में जो रहते हैं अधिकतर लोग इसमें हिंदी अच्छी जानते हैं, और दक्षिण भारत में आप जाते हैं तो तमिल में वहाँ योजनाओं का नाम दिया जाता है, इसलिए क्योंकि लोगों को समझ में आ जाए, इसीलिए इन्होंने भी पाली भाषा को, कॉमन भाषा को चुना जो सभी लोग वहाँ जानते थे। यही वजह थी कि लोगों ने इसे आसानी से अपना लिया, क्योंकि अन्य प्रवर्तक उस दौरान संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे समझना लोगों के लिए थोड़ा कठिन भी था। इस वजह से भी लोग गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हुए। देखते ही देखते बौद्ध धर्म की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती गई।
वहीं इसके बाद भारत में कई अलग अलग प्रदेशों में कई हजार अनुयायी फैल गए, जिसने उनके संघ का गठन भी किया। वहीं इस संघ ने बौद्ध धर्म के उपदेशों की को पूरी दुनिया में फैलाया, जिसके बाद बौद्ध धर्म की अनुयायियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलकर सरल मार्ग अपनाने का ज्ञान भी दिया। आपको बता दें कि किसी भी धर्म के लोग बौद्ध धर्म अपना सकते थे, क्योंकि यह सभी जाति धर्मों के लिए से एकदम दूर था। यानी कि कहने का मतलब है कि ये ना तो हिंदुओं के लिए आप कह सकते हैं हिंदुओं का धर्म है, ना आप कह सकते हैं मुस्लिमों का धर्म है, कोई भी हो, कॉमन कोई भी आप व्यक्ति इसे अपना सकता था। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का रूप माना गया था, इसलिए इन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म की इस्लाम में भी अपनी एक अलग जगह थी। बौद्ध धर्म में अहिंसा, जिसे आप आज भी बात करते रहते हैं, अन्ना हजारे साहब आज भी देखते हैं आप लोग की इस पर बात करते रहते हैं, अहिंसा को अपनाने और सच्चाई के मार्ग पर चलकर सभी मानव जाति पशु पक्षी को समान प्रेम का दर्जा देने को कहा गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि महात्मा बौद्ध के पिता और उनके बेटे राहुल दोनों ने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, यानी कि इनके जो पिता थे और जो बेटे थे इन दोनों ने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। गौतम बुद्ध के उपदेशों एवं प्रवचनों का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किसने करवाया? सम्राट अशोक ने, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित बौद्ध धर्म से कोई हुआ है तो अशोक सम्राट ही। आप लोगों ने देखा है कि हमने बायोग्राफी कवर की हुई है अशोक सम्राट की, उसे जाकर देख सकते हैं आप लोग किस तरह से एक महान, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। आज आप अशोक को जानते हैं तो उसके योद्धों के कारण नहीं जानते, इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने बौद्ध धर्म अपना कर अपने आप में परिवर्तन किया। दरअसल कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से व्यथित होकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने महात्मा बौद्ध के उपदेशों को अपनाते हुए इन उपदेशों को अभिलेखों द्वारा जन जन तक पहुंचाया। अभिलेख गढ़ने का यही मतलब था कि हजारों साल बाद भी लोग देखें तो जाने इनके, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में, अशोक के बारे में, इसलिए अभिलेख लिखे गए थे। यही नहीं, सम्राट अशोक ने विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। आपने सुना होगा कि अशोक ने श्रीलंका भी अपनी बेटी संगमिता और बेटे महेंद्र को भेजा हुआ था प्रचार के लिए, खुद ने भी कई यात्राएं की, ठीक है। गौतम बुद्ध की अगर दी गई शिक्षा की बात करें हम लोग कि इन्होंने क्या कहा, तो गौतम बुद्ध ने तत्कालीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन कर एक सहज मानव धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि जीवन संयम सत्य अहिंसा का पालन करते हुए पवित्र और सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कर्म भाव ज्ञान के साथ सम्यक की साधना को जोड़ने पर बल दिया, क्योंकि कोई भी अति शांति नहीं दे सकती, इस तरह पीड़ाओं तथा मृत्यु भर से मुक्ति मिल सकती है और भय मुक्ति एवं शांति को ही उन्होंने निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्ति कहा। उन्होंने निर्वाण का जो मार्ग मानव मात्र को सुझाया था वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आज से 2500 वर्ष पूर्व था। मानव की मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने स्वयं राजसी भोग विलास त्याग किया और अनेक प्रकार की शारीरिक यात्राएं झेली। आप ही सोचिए, अगर हमारे मन में ज्यादा, आप सोचिए दुख क्यों है हमारे, इसके बारे में भी तो उन्होंने बताया कि मोह माया। आपके पास एक बंगला है, आप सोच रहे हैं दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, एक गाड़ी है दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए। अगर आपके अंदर संतुष्टि है तो मुझे नहीं लगता है कि दुख आप होंगे। अगर आपके पास जो करंट में स्थिति है उसी से हिसाब से आप जी सकते हैं ना, ठीक है। गहरे चिंतन मनन और कठोर साधना के पश्चात ही उन्हें गया बिहार में बौद्धि वृक्ष के नीचे तत्व ज्ञान यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को शिक्षा भी दी हुई थी। क्या किया था? 5 शिष्यों को शिक्षा भी दी हुई थी, ठीक है। चलते हैं आगे, हम बात करते हैं।
गौतम बुद्ध का परिनिर्माण की अगर बात करें तो आपको बता दें कि 80 साल की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने निर्वाण की प्राप्त घोषणा की और समाधि धारण करने के बाद गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का जमकर प्रचार प्रसार भी किया। उस दौरान महात्मा बौद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया, यानी कि हर समाज के तबके तक पहुंचाया, और बड़े स्तर पर लोगों ने बौद्ध धर्म के उपदेशों को भी अपनाया। भारत के अलावा आप देखेंगे चीन, थाईलैंड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध धर्म आज भी आपको बड़े उस समय भी था, आज भी आपको देखने को मिलेगा। एक कहाँ से गया बौद्ध धर्म, हमारे ही देश से इन बाकी देशों में फैला, याद रखिए। बौद्ध धर्म के प्रचार की अगर बात करें हम लोग, तो तत्पश्चात अनेक पितापी राजा हुए जिन्होंने, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी बने, उन्होंने भारत के बाहर भी तेजी से बौद्ध धर्म को फैलाया। आज भी बौद्ध धर्म आपका चीन, जापान, कई देशों का प्रधान धर्म भी बना हुआ है। उनके द्वारा बताई गई बातों की स्थानीय लोग बड़ी श्रद्धा से मानते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते थे, उनकी बातों का पालन भी करते थे। उनकी बातों को कई लोगों ने अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन जीवन समृद्ध बनाया। उनकी मृत्यु के 400 साल बाद भी लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। आज भी आप देखते हैं कि कई देश ऐसे भी हैं कि बौद्ध को भगवान मानते हैं। हमारे यहाँ भी देखते हैं आप लोग, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। किस लिए मनाई जाती है? इन्हीं की याद में। दुखों से अगर मुक्ति दिलाने के लिए बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपना बताया हुआ था। एक क्या था अष्टांगिक मार्ग, इसे भी देख लीजिए। महात्मा बौद्ध के उपदेश बड़े ही सीधे और सरल हुआ करते थे, यानी कि हर किसी को समझ में आने योग्य इनके उपदेश थे। जो इनके मतलब आप सोचिए विचार थे, वो सबको समझ में आ जाते थे। उन्होंने कहा है कि समस्त संसार दुखों से भरा हुआ है और यह दुख का कारण इच्छा तृष्णा है, जो मैंने बात की थी ना। इच्छा मतलब हमारी इच्छा बढ़ती जाती है। आज हमारे पास आईफोन नहीं है, एक ये भी तो दुख का कारण बन चुका है। नहीं है भाई, मेहनत करिए आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दुखी होने से क्या मिलेगा, इसी में आधे लोग दुख बने रहते हैं कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं। इच्छाओं का त्याग कर देने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। उन्होंने लोगों को भी बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक भाषण, सम्यक व्यवहार, सम्यक निर्वाह, सत्य पालन, सत्य विचार, सत्य ध्यान से मनुष्य की तृष्णा मिट जाती है, वह सुखी रहता है। भगवान बुद्ध के उपदेश आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। और आज समाज याद रखिए बहुत बदल चुका है। आज हम लोग अगर मौत के मुंह में भी जा रहे हैं, बुढ़ापे में मालूम चल गया कि 10 दिन बाद मौत भी है, तब भी मोह माया लगी हुई है, समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप सत्य में जीते रहते हैं, आप हकीकत में जीते हैं, तो आपको मौत का कभी डर नहीं लगेगा कि कभी भी मौत आ जाए, आप खुश रहेंगे। क्योंकि आपने जितना समय मिला हुआ है, आपने उस पर 100% दिया है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता है कि जो भी काम करिए जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ, जो भी किसी भी फील्ड में XYZ, वहाँ अपना 100% दीजिए उस काम को। किसी से प्यार कर रहे हैं तो 100% करिए, यानी कि अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए। इससे क्या होता है कि जिंदगी में काश शब्द खत्म हो जाता है, और ये काश शब्द ही हमारी जिंदगी में बहुत दुख देता है। तो इसलिए जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप लोग, उसके बारे में उस क्षेत्र में एक मास्टर बन जाइए आप लोग, ठीक है। महात्मा बौद्ध का जीवन बाकी कई प्रेरणा देने वाला रहा है, जिन्होंने मानवता की मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने खुद राशि भोग विलास त्याग दिया और कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना किया। उन्होंने ज्ञान और सत्य की खोज के लिए कठोर साधना भी की, जिसके बाद उन्हें अपने देखा बिहार में बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान भी प्राप्त हुआ। आपको एक बात मालूम होगा, आज तो हम लोग, हमें लगता है कि हम लोग करंट में जीते ही नहीं, हम लोग कभी अपने आप से मिलते ही नहीं हैं, हम मतलब जी रहे हैं। मैं कहता हूँ 24 घंटे आपके पास रहते हैं डेली के, एक 5-10 मिनट अपने आप से मिल तो लिया करिएगा, आप क्या कर रहे हैं। देखता हूँ कई लोग एक गिफ्टेड मेरे पिताजी ने दिया, अरे भाई तुम्हें, पिताजी ने तुम्हें तो पूरा साम्राज्य बना कर दे दिया, आपने पिताजी को क्या दिया। कम से कम इस पर भी तो विचार कर सकते हैं, आपके परिवार ने बहुत कुछ आपके लिए दिया, लेकिन आपने अपने परिवार को क्या दिया, इस पर भी तो आप सोच सकते हैं।
मुझे लगता है कि शर्म जो चीज़ होती थी ये अब किसी समाज के किसी भी व्यक्ति में बची ही नहीं है। पिताजी ने आपको इतना कुछ दे दिया या किसी भी परिवार के किसी भी मेंबर ने, आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप भी उसे कुछ उसके बदले उनकी सेवा करें, कुछ उन्हें ऐसा दें कि उन्हें भी गर्व हो कि आप जैसे बेटे को जन्म देकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए खैर छोड़िए इस बातों को। महात्मा गौतम बुद्ध ने संसारिक आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों की शिक्षा को शिक्षा भी दी थी। यहां तक कि कई बुद्धिमान और प्रतापी राजा भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते थे, उनका अनुसरण करते थे और वे गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए। इस तरह बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल गया था। भगवान गौतम बुद्ध के मुताबिक मानव जीवन दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि पूरे संसार में सारी वस्तुएं दुखमय हैं। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध में मानव जीवन मरण के चक्र को दुखों का मूल कारण माना गया। बताया गया है कि सभी धर्म का मूल उद्देश्य मानव को इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप सन्यासी बन जाइए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप लोग घर परिवार छोड़ दीजिए, सब कुछ निकल जाइए। मैं इन्हें अभी तक ये भी नहीं कहा। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास कुछ इंसानियत मानवता तो होना चाहिए, और इस समय आप देख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मानवता दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति चलता है दिल्ली से कोरोना महामारी के टाइम में और वो अपने घर तक पहुँचते पहुँचते मर जाता है क्योंकि कोई उसे पानी देने वाला भी बीच में नहीं मिलता है। एक माँ रोड पर बच्चे को जन्म देती है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है, वो चलकर फिर से उठकर चलने लगी। एक माँ का बेटे को जन्म देना या बच्चे को जन्म देना, आप सोचिए माँ के लिए दूसरा जन्म होता है, इतनी पीड़ा होती है उसके, फिर भी हम लोगों में कुछ नहीं। बहुत बुरी हालत हमने देखी है। इस समय अगर राम भगवान होते या कोई भी भगवान होता, आप जिसे भी मांगते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को यह हमें माफ कर पाएगा। हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, कभी भगवान से झूठ नहीं बोल सकते। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं किसी से बच्चे से एक कहानी सुन रहा था, तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। मतलब इस तरह से आप सोचिए कि मुझे लगा कि बचपन में हर कोई भगवान का रूप होता है, बचपन में वो सही रास्ते चुनता है, लेकिन वो बड़ा होते जाते वो समाज के प्रभाव में आता है तो बदल जाता है। क्योंकि अभी उस बच्चे ने कहा कि वो उसकी क्लास में किसी मैडम ने पूछा होगा कि वो तीन बच्चों को तीन पक्षी देते हैं और आपको इन्हें मार के आना है, यानी कि इन्हें मार देना है, वापसी ले आना है और ऐसी जगह छुपा के मारना कि कोई दूसरा देख ना पाए। तो कहते हैं कि वो बच्चा, मुझे मतलब उस बच्चे की बड़ी 5-6 साल का उम्र का बच्चा, बहुत मतलब ज्ञान, एक तरह से आपको उसमें समझदारी देखिए। तो बोला, सबने हमारे दोस्तों ने बोला कि वो कोई कहीं से ऐसा करके ले आएगा, कहानी पूरी सुनाई। बोले, मैंने बोला मैं कि मैम मैं इसे पक्षी को नहीं मार पाऊंगा। बोली, क्यों? बोला कि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन भगवान तो देख रहे होंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे में कितना दिमाग है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं इस समय क्या चल रहा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने संसार में व्याप्त सिर्फ दुखों के बारे में बताया, बल्कि दुख उत्पन्न होने के कई कारण भी उन्होंने बताए। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए भी मार्ग बताए, यानी कि जो दुख है किस कारण है वो भी बताया उन्होंने, और इसका मतलब क्या उपाय हो सकता है उसे भी बताया। आपको बता दें इसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपयोग किया। इसमें सब कुछ बताया गया है कि किस तरह से दुख है, दुख के कारण है, आप समझ सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अष्टांगिक मार्ग देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आपके मन में बहुत टाइम से शब्द गूंज रहा है, फिर भी क्या मतलब होता है इसका, इसे देख लीजिए। सम्यक दृष्टि, सत्य तथा असत्य को पहचानने की शक्ति। महात्मा बौद्ध के मुताबिक जो भी शख्स दुखों से मुक्ति चाहना चाहता है उसे उसमें सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, इच्छा एवं हिंसा रहित, यानी कि आपकी इच्छा एवं हिंसा रहित मतलब अहिंसा का रास्ता।
महात्मा बौद्ध के मुताबिक जो लोग दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें ऐसे संकल्प लेने चाहिए कि हिंसा रहित हो और उनकी इच्छा प्रबल हो। सम्यक वाणी सत्य एवं मृदु वाणी, दुखों से निजात पाने के लिए महात्मा बौद्ध ने सम्यक वाणी का भी वर्णन किया है। बौद्ध की माने तो सत्य और मधुर बोलने से इंसान को सुख की अनुभूति होती है और दुख उसके पास पास भी नहीं भटकता है। याद रखिए, मैं कहता हूँ कि हमेशा ऐसे शब्द निकालिए अपने मुँह से कि उसके लिए आपको पछताना ना पड़े दोबारा कभी। ठीक है, हो सकता है कि आपकी वो लास्ट शब्द हों किसी के लिए, लेकिन आप अपने शब्दों से कभी दुख ना हो। ठीक है, फिर आप देखेंगे सम्यक कर्म, सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा इत्यादि, दया करुणा का भाव रखना और दान पुण्य और अच्छे कर्मों से भी मनुष्य दुखों से दूर रहता है। आप सोचिए, मैंने तो कभी नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा घर किसी को दान दे दीजिए, अपना पूरा पैसा, साम्राज्य पूरा दान दे दीजिए, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर हम देखते हैं अपने परिवार में अपने बच्चों को, दीपावली के टाइम पर आपने देखा है कि हमारे बच्चे आज 2,500 से 5,000 तक की पटाखे लगा देते हैं आग, तो इसमें हम लोग अगर 2,500 या 5,000 के अपने बच्चों को खरीद के दे रहे हैं तो 100 रुपये की अगर किसी गरीब के बच्चे को दिला देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आपकी वजह से कम उसके चेहरे पर खुशी तो आएगी। आप 50,000 कमा रहे हैं, उसमें से 10 रुपये अगर दान कर देते हैं, दान का मतलब मेरा ये कभी नहीं रहा है कि आप जाके मंदिर में पुजारी पाठ करने वालों को दे दीजिए। मैं कभी इसमें ना भरोसा करता हूँ और मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप दीजिए आपकी जो भी, लेकिन मैं कहता हूँ कि बाहर जो भी आपको कहीं गरीब दिख रहा है, भूखा दिख रहा है, उसे खिला दीजिए उस पैसे का, कम से कम वो हक में लगेगा। मुझे नहीं लगता है कि आप दंड जो दान देंगे उस वो हक में लगेगा। तो ये भी कर सकते हैं आप लोग, और इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि दीपावली हो या फिर आप होली का टाइम हो, कोई भी त्यौहार हो बड़ा, तो आप अगर 50,000 की शॉपिंग कर रहे हैं तो 2-4 हज़ार रुपये की बस्ती वालों में, अगर कहीं आपके पास है इस तरह की बस्ती बसी हुई है गरीबों की, तो आप वहाँ जाकर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए कभी इस तरह का काम करिए, उसके बाद देखिए कि कितनी मतलब आनंद मिलेगा, कितनी उन लोगों के चेहरे पर खुशी होगी। शायद मुझे लगता है कि हम अपने बच्चे पर अगर 50,000 या पूरी ज़िंदगी खर्च कर दें तो शायद बच्चा हमें उतना वो नहीं देगा खुशी, लेकिन सामने वाले आप देखिए कितना, 10 रुपये में भी वो आपके भक्त बन जाएंगे। सम्यक अजीब आजीब, जीवन यापन का सदाचार पूर्ण एवं उचित मार्ग, गौतम बुद्ध ने सम्यक आजीब को भी जीवन यापन का उचित मार्ग बताया। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न, महात्मा बौद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए सम्यक व्यायाम करने का को भी कहा। उनका कहना है कि किसी काम को करने के लिए अगर विवेकपूर्ण प्रयास किए जाए तो सफलता जरूर अर्जित होती है और मानव दुखों से दूर रहता है। सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहने की शिक्षा भी देता है। महात्मा बौद्ध ने मानव जीवन के दुखों को दूर करने के लिए अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण तरीके से ढंग से सजग रहने की भी शिक्षा दी। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता, मानव बौद्ध ने मानव जीवन में एकाग्रता के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा है कि सम्यक समाधि लेने से मनुष्य दुखों से दूर रहता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्ते यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, शोक प्रसाद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य गान आदि से दूर रहना। मैं नहीं कहता हूँ, देखिए मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि आप इस तरह के सभी रास्ते चुन लीजिए इनके, क्योंकि संभव भी नहीं है सभी समाज के लोगों के लिए। आप कुछ ही रास्ते चुन लीजिए। आप हम करके मैं कहता हूँ संपत्ति बनाइए, सब शादी कीजिए, विवाह कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन 2 शब्द आप लोग हमेशा अपने आप में काफ़ी अच्छे से रखिए, एक मानवता, दूसरा इंसानियत। ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि शायद इनका हम लोग अर्थ कभी ना तो समझ पाए और ना ही समझ पाएंगे, मुझे तो ऐसा ही दिखता है। आप में इंसानियत है तो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ गलत करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप अगर गली में कोई गिर जाता है तो आप ना उठाएं उसे, आप उठाएंगे, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो। मैं अभी देख रहा था कहीं कुछ ही दिन पहले की बात कि कॉलेज के सामने एक बूढ़ी माँ मतलब गिर जाती है भीख मांगने वाली, उसके बाद वहाँ लड़कियाँ खड़ी हैं, लड़के खड़े हुए, कोई आगे नहीं बढ़ने को आता है।
अगर कोई उठा भी दे तो आप सोचिए कि उसके ऊपर लोग हंसते हैं। रेलवे में देखा होगा आपने, कई भी आप अपनी ज़िंदगी में देखते रहते हैं, नल खुला हुआ है, पानी गिर रहा है, उसे कोई बंद नहीं करेगा, अगर कोई बंद कर भी दे तो उस पर हंसेंगे लोग। तो खैर छोड़िए, ये आपकी महानता है, हो सकता है कि ऐसा करके आप ना बंद करके ना किसी की मदद करके 250 साल जी जाएंगे, 200 साल, 500 साल क्या उखाड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप या मैं गलत रास्तों पर चल के कुछ उखाड़ पाएंगे, ठीक है। 250 साल जीना जीना नहीं है कोई। इसके साथ ही भगवान बुद्ध ने जीवों पर दया करने का भी उपदेश दिया है, हवन पशु बलि जैसे आडंबरों की जमकर निंदा भी की हुई। इसके अलावा महात्मा बौद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार प्रसार किया था, जैसे अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र। बौद्ध धर्म की अगर महत्वपूर्ण बातों की हम बात करें तो गौतम बुद्ध सभी जातियों और पंथों के लिए खुला था। बौद्ध धर्म उसमें हर आदमी का स्वागत था, ब्राह्मण हो या चंडाल, पापी हो या पुण्य, या गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, सबके लिए उनका दरवाजा खुला हुआ था। उनके धर्म में जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। यही तो धर्म होता है। हम आज भी सोचिए, आपकी भगवान राम होते, क्या आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी मदद करते? मैं कहता हूं कभी ना करते। अभी आप सोचिए कि लॉकडाउन के टाइम कितने लोगों की जान गई। सब नेता आपके यहाँ के, कोई मुझे नहीं लगता है विधायक से लेकर मंत्री या फिर जो भी जिस पद पर है, कोई रोड पर दिखा हो गरीबों की मदद करते हुए, नहीं ना। मुझे नहीं लगता है कि भगवान होते इस समय तो वो घर में बैठकर चुपके से बैठकर ये तमाशा देख रहे होते, कभी नहीं। और ये बात आप लोग समझ लीजिए, हो सकता है कि आपके पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, हम जिंदगी का ये पड़ाव, मतलब जवानी का पड़ाव आराम से बिता दें, लेकिन धरती पर रहते हुए अगर आपको सजा मिलती है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भगवान आपकी मदद करने आएंगे। या फिर आप ऊपर जाते हैं, अगर आप पर लोग इस तरह की बातों में भरोसा करते हैं तो तब भी आपको कोई भगवान से छूट नहीं मिलेगी, भगवान आपके साथ कभी नहीं देंगे। थोड़ी बहुत मानवता रखी जाती है, भगवान उनको भगवान किसने बना दिया? हम ही आप लोगों ने। पुरुषोत्तम राम, उन्होंने अपने आप को भगवान किसी ने नहीं कहा, उन्हें पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, समझ रहे हैं आप, कि उनके मतलब विचार थे, जो उनकी एक तरह से उद्देश्य, उन्हें हम लोगों ने अपनाया है, उन्हीं कारण उन्हें जाना जाता है। आज भी आप देख सकते हैं, आज अगर आपके लिए, आप किसी के लिए, किसी गांव के लिए आप लोग भगवान बन जाते हैं, आप उसके लिए हर तरह से सुख दुख हर समस्या का समाधान करते हैं आप लोग, तो मैं तो कहता हूँ कल आपको भी वो भगवान मानने लगेंगे, आपकी भी पूजा करने लगे, वे ऊपर वाले भगवान को भूल जाएंगे, आपकी पूजा पाठ में लग जाएंगे। तो आपके कर्मों से मुझे लगता है भगवान बनते हैं, ठीक है। अब आप हनुमान जी साहब को ले लीजिए, भगवान हनुमान जी को, कि वो एक मतलब आप सोचिए मनुष्य में नहीं, वो एक बंदर थे, हम यहाँ मनुष्य खड़े हुए हैं, यहाँ भगवान बनने की थी, तो वो इस पार को, इस लकीर को पार करते भगवान बन चुके हैं। आज भगवान राम की जहाँ भी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, वहाँ शरीर आप सोचिए कि हनुमान जी की जरूर मिलेगी, लेकिन हम लोग एक मतलब एक स्टेप हम लोग पार करके भगवान नहीं बन सके, ये हमारी सबसे बुरी, हमारे लिए शर्म की बात है। आप सोचिए, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों से ना सिर्फ कई लोगों की जिंदगी को सफल बनाया बल्कि लोगों की सोच भी विकसित की। इसके साथ ही लोगों ने करुणा और दया का भाव भी पैदा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बौद्ध शब्द का अर्थ इंसान की अंतरात्मा को जगाना है। वहीं जब लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पता लगना शुरू हुआ तो लोग इस धर्म की तरफ आकर्षित भी हुए। अब ना सिर्फ भारत के लोग बल्कि दुनिया के कई करोड़ लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इस तरह गौतम बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हमारे देश में आप देख सकते हैं कि ये ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन बाकी देशों में देखिए अभी भी अपनाया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं हिंदू संस्कृति हो या कोई भी हमारे यहाँ साड़ी पहनने की प्रथा हो, मैंने देखा है अभी, फिर या आप संत बनने की प्रथा हो, तो हमारे देश से ये ख़त्म होता जा रहा है। बाकी विकसित देश हैं, जो मैंने वहाँ देखा है कि लोग हमारी जो संस्कृति रही उसे अपना रहे हैं, लोग संत बन रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैंने कहीं देखा था कि वो अमेरिका में लोग साड़ी पहनने लगे हैं, साड़ी को महत्व दे रहे हैं, और हमारे यहाँ देखिए कि संस्कृति से हटते जा रहे हैं। अमेरिका में मैंने सुना था कि कोई संत प्रवृत्ति के भी लोग बनते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ देखिए
खैर अलग बात है वो। एक भी आप सुनते रहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा या गौतम बुद्ध की जयंती। गौतम बुद्ध की जयंती या फिर बैसाख की पूर्णिमा हिंदी महीने के दूसरे महीने में मनाई जाती है, इसलिए इसे बैसाख या फिर हनुमत सूरी भी कहा जाता है। खासकर यह बौद्ध पर बौद्ध धर्म की प्रचार प्रचलित है। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से भी मनाते हैं, क्योंकि उनका एक प्रमुख त्यौहार भी रहा है। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ। इन्हें इसी दिन इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और इसी दिन इनका यानी कि निर्धन हुआ यानी कि महानिर्माण हुआ। आप समझिए कि इनका जन्म उसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है। ज्ञान की प्राप्ति भी इन्हें बुद्ध पूर्णिमा के दिन होती है। और इनकी जब निर्धन यानी कि इन ये जब धरती से जाते हैं तो महानिर्माण जिसे बोलते हैं आप लोग, ये भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ, जब ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ नहीं हुआ है। इसलिए इस दिन को गौतम बुद्ध की जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम सब आप लोग जानते हैं। अब कुछ इनके विचार दिए गए हैं जो आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आपका दोस्त होगा तो आप समझते होंगे कि उसमें अच्छाई नहीं होगी, कुछ उसमें बुराई होगी। कुछ आपके दोस्त अगर दूसरा है तो उसमें बुराई होगी अच्छाई होगी। तो आप बुराइयों को छोड़िए ना, उसमें से जो अच्छाई है उन्हें भी तो आप ले सकते हैं। बुद्ध धर्म में मैं कहता हूँ कि शादी ना करना या घर परिवार छोड़ना ये अलग बात हो जाती है, इतना मत करिए। मैं तो कहता हूँ संपत्ति रखिए, सब करिए, लेकिन आप कुछ अच्छाई हैं उन्हें तो आप लोग स्वीकार कर सकते हैं, अपने आप पर लागू कर सकते हैं। गुजरा वक्त वापस नहीं आता, यानी कि जो समय गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि समय रहते हुए सब कुछ कर लीजिए। अभी NCERT पढ़ा रहा था, वहाँ भी मैंने यही कहा आप लोगों से कि समय रहते हुए सभी NCERT को पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि समय निकलने के बाद आपके पास पछताने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचता है। मैं तो कहता हूँ इस काश शब्द, आपने सुना हुआ काश शब्द, इस काश शब्द को ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए। ये अगर काश शब्द जब भी आ जाता है ये सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। उसी समय हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रहेगा तो वो कल पूरा हो जाएगा, हालांकि जो वक्त भी गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता है। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। ये आप भी जानते हैं कि आज आप लोग अपने आप पर जितना मतलब मेहनत करेंगे यही कल आपको निखारेगा और आपको सफल बनाएगा। ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता ना तय करना या फिर शुरुआत ही ना करना। यही दो सबसे बात है, और जो पूरा रास्ता तय कर ले वो हमेशा याद रखा जाता है। समझ रहे, कई लोग होते हैं कि आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक लोग होते हैं जो सोचते हैं और बैठे रह जाते हैं, वो सोचते ही रहते हैं। एक वो लोग होते हैं जो काम करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो काम शुरू भी करते हैं और एंड तक उसे अंजाम भी देते हैं। और आप जानते हैं कि यही लोग सफल होते हैं। हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे, हर दिन की अहमियत समझे। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है और हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए, इसलिए एक दिन की अहमियत समझे, यानी कि हर सेकंड की, मैं तो कहता हूँ हर मिनट की अहमियत समझिए आप लोग। समझिए, समझ रहे, गुजरा वक्त वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई काम अधूरा रह गया, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। खुशी हमारे दिमाग में होती है, खुशी पैसे से खरीदी गई चीज़ों से नहीं, बल्कि खुशी इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और दूसरे के व्यवहार का कैसा जवाब देते हैं। इसलिए असली खुशी हमारे मस्तिष्क में, और सबसे बड़ी आपकी संतुष्टि ही आपकी खुशी देती है आपको। मैंने कई बार आपको पिक्चर्स भी शेयर की हुई है कि एक बच्चा रोड पर कुछ बेचता है, मतलब ऐसा कोई भी वस्तु बेचता है, वो इतना खुश दिखता है हंसता हुआ। कई आपने देखा है सब्जी बेच रहे हैं वो भी खुश रहे, और हम घर में बैठे हुए हैं, AC हर तरह की सुविधा है, फिर भी हम खुश नहीं रह रहे। तो मुझे लगता है संतुष्टि रखना जरूरी है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है,
लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है कि सच है ऐसा विश्वास करते हैं। आप हमेशा सोचिए, आप सोचिए, कोई हमारा मित्र गरीब है या नहीं है, हमारी बस्ती में कोई रह रहा है, हम उस पर घमंड करें, हम उसे मतलब उससे भेदभाव करें, क्या उखाड़ लेंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो आप भूख से मर जाएगा या आप अपनी महानता कोई हासिल कर लेंगे, नहीं ना। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हम घमंड में जीकर या इस तरह के भेदभाव करके किसी को कुछ ना समझें, कुछ पा लेंगे। मैंने बताया आप लोगों को हमेशा कि किसी दूसरा व्यक्ति अगर आप पर भरोसा कर रहा है, आपको 100% दे रहा है, आपके रिश्ते को बनाने के लिए 100% आप पर खर्च कर रहा है, तो आपका कर्तव्य तो बनता है कि उसमें 10% तो उसे वापसी करिए, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो सब कुछ पा चुके हैं, सक्सेस हैं हर तरह से, वो भी आज अपने आप में संतुष्ट नहीं है, रोते हैं बैठ के। क्योंकि आप दूसरे को खुशी देंगे तभी मुझे लगता है आप खुश रह पाएंगे। अगर आपकी वजह से किसी दूसरे की आंखों में आंसू आते हैं, दूसरा पीछे जाता है या पिछड़ता है किसी भी चीज़ में, तो आप खुद को माफ़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें। कहा जाता है कि अगर 24 घंटा में एक दिन आप 24 घंटे खुश रहते हैं तो आप दुगनी तिगनी शक्ति से काम करने सकते हैं और आपकी दिमागी क्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और खुश रहें। आप अगर आपने सुना भी होगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आप में आपका दिमाग में आ जाता है कि काश हम इस काम में हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो कहते हैं कि उसी जब जिस वक्त आपके दिमाग में ये विचार आता है उसी वक्त आप लोग हार जाते हैं। तो इस तरह के जो भी होगा, आप अपना 100% दीजिए किसी भी काम कर रहे हैं, जो भी परिणाम मिलेगा उसे स्वीकारिए, ठीक है? जिस तरह से लाभवार करने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म की असली स्वरूप को पहचानने में वही गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। कभी कभी हमने देखा होगा कि घास आप लोग ने देखी होगी कि बरसात के टाइम में लग जाती है, कभी कभी उसमें हम लोग हाथ से पकड़ते हैं तो हमारा हाथ कट जाता है, इतनी धार होती है। तो उसी की बात की जा रही है, तो धर्म को जिस भी धर्म में आप रह रहे हो उससे पहचानिए, उसमें जो है उसे जानिए। आप लोग ये धर्म कभी नहीं करता है कि दूसरे के धर्म को गिराइए, दूसरे को गाली दिखिए या फिर आप सोशल मीडिया पर किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलिए, ठीक है? आपको ही अगर आप सामने वाले की इज्जत करते हैं तो मुझे लगता है वो भी आपकी इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, स्वाभाविक सी बात है। इस तरह ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? ये भी अच्छी बात है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया, जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका होता है। इसे बात आप लोग भी जानते होंगे कि मुझे लगता है कि पता है हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो वह हम लोग बड़ा अच्छा कर दिखाते हैं। कई बच्चों ने आपने सवाल भी किए हुए थे कि मैं सोचता रहता हूँ, मेरा दिमाग कुछ ना कुछ चलता रहता है, आप मुझे लगते हैं हकीकत में नहीं जीते। जब हम फटीचर स्थिति में जी रहे हों, अब स्टूडेंट हैं, हमारी औकात कुछ नहीं है, हो सकता है कि कल अगर माँ बाप पैसे ना दें तो हम सुबह का खाना भी नहीं खा सकते हैं, समझिए, पूरी तरह से डिपेंड। तो इसमें आप क्या उखाड़ सकते हैं? इसमें एक ही काम करिए ना, आप लोग पढ़िए, अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पर लगाइए, बाकी की चीज़ों को हटाइए, समझ रहे हैं? बाकी की चीज़ों को उस समय सोचिए जब आप उस पोजीशन पर पहुंच जाए। यह मनुष्य का अपना मन ना कि उसका शत्रु जो उसे रे मार्ग पर ले जाए। जीप एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देता है। आपकी जीप जो यानी कि बोलने की बात की जा रही है, हजारों दिए को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, इन्हें कम से कम अपने जीवन पर लगाइए, देखिए फिर कि इतिहास में आपको याद रखा जाता है या नहीं। हो सकता है कि अभी शुरू में आप इस तरह के काम करें तो लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन लास्ट तक आप लोग पहुंचिए। देखिए अपने आप, हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं,
हम वही बनते हैं जो हमने सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी पर छाई की तरह हमेशा हमारे साथ रहती है खुशी। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, ये भी सबसे बड़ी बात है। अपने आप पर निर्भर रहें पूरी तरह से। 1000 खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। और मैंने हमेशा बोला है कि कोई अगर पूरा 1000 का कोई सेंटेंस बोल रहा है, 100 शब्द बोल रहा है, तो उसमें आप लोग हमेशा ऐसा शब्द एक बोलिए जो पूरे उसके 100 शब्दों की भरपाई कर दे और बात ही वहीं ख़त्म हो जाए। कोई गाली दे रहा है तो वहाँ एक शब्द बोलकर ऐसा निकल जाइए कि शांति हो जाए और आप निकल जाएं वहाँ से, ठीक है। एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव देता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में भी घाव कर सकता है। इस तरह की आप भी सोचिए, थोड़ा इन पर विचार किया करिएगा आप लोग। जब भी आप कभी कुछ पढ़ते हैं तो इन पर आप विचार करना चाहिए आपको, समझ रहे हैं। आपको जो भी मिला उसका अधिक मूल्यांकन ना करें, ना ही दूसरों से नफरत यानी कि ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या यानी कि नफरत करते हैं, उन्हें मन की को शांति कभी नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। आप एक सबसे बड़ा संतुष्ट शब्द अपने दिमाग में लाइए, उसी से अपना काम चलाइए। एक कुत्ते को एक अच्छा कुत्ता नहीं माना जाता है, क्योंकि वह एक अच्छा नादकार है। एक आदमी एक अच्छा आदमी ना ही माना जाता, क्योंकि वह एक अच्छा बोल लेता है। कहते हैं ना कि वो हम सबसे पशुओं में है वो, या फिर किसी भी जानवर में, हम हमारे अंदर सबसे ज़्यादा, मतलब आप सोचिए, सोचने की शक्ति है, समझदारी की शक्ति है, लेकिन फिर भी हम लोग बेवकूफ़ी जैसी काम करते हैं। देखिए, आप अगर गाय को देख लीजिए, कुत्ते को देख लीजिए, वो खाना खाता है, वफादारी करता है, वो अपना धर्म निभाता है। आज हम अपना धर्म देख लीजिए कि हम अपने धर्म से कितने दूर हट चुके हैं। हम इंसान हैं तो इंसानियत निभानी चाहिए ना, नहीं ना। चलिए, खैरिए, छोड़िए, जो भी आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने आप पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक। और बाकी आपको बताना हिस्ट्री के बारे में, जितने भी महान हुए वो मैंने बात की थी, तो मैं कर रहा हूँ आगे। आगे हम लोग महावीर स्वामी साहब के बारे में बात करेंगे, ठीक है।